किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से टिकैत बंधुओं के बुरे दिन शुरू हो गए। किसान आंदोलन के दौरान टिकैत बंधुओं की सियासत चरम पर थी। तमाम विपक्षी नेता दोनों भाइयों को खूब भाव दे रहे थे। हालांकि यूपी चुनाव के दौरान टिकैत भाइयों की पोल खुल गई कि वो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और विपक्ष के लिए सियासी पेच तैयार करने में लगे थे। लेकिन किसानों ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का साथ नहीं दिया और बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया। नतीजा ये हुआ कि जो टिकैत बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर करने के सपने देख रहे थे, उन्हीं के गढ़ में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया। वहीं अब अपनों ने भी टिकैत भाइयों का साथ छोड़ दिया है। भारतीय किसान यूनियन दोफाड़ हो गया और अराजनैतिक नाम से नया संगठन बन गया और अब नए संगठन के निशाने पर टिकैत बंधु हैं। पिछले दिनों कर्नाटक में किसानों ने राकेश टिकैत के मुंह पर स्याही फेंक कर विरोध जताया, तो अब अराजनैतिक संगठन बीकेयू के दोफाड़ होने के लिए सीधे सीधे टिकैत बंधुओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसके साथ ही टिकैत बंधुओं पर राजनीति करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, टिकैत बंधुओं से अराजनैतिक संगठन ने बड़ी मांग कर दी है। मुजफ्फरनगर पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने टिकैत बंधुओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत के 2011 में निधन के बाद संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराएं। इतना ही नहीं, त्यागी ने यह भी कहा है कि टिकैत बंधु सीबीआई और ईडी से बच सकते हैं, लेकिन हमारे सीने में उनके जो राज हैं उनसे नहीं बच सकते। उन्होंने आगे कहा कि गद्दार और गीदड़ का फैसला जनता करेगी। उन्होंने कहा कि अब मुद्दा किसानों का रहेगा, न कि ईवीएम की सुरक्षा का रहेगा। अराजनैतिक संगठन का ये भी कहना कि भारतीय किसान यूनियन अपने असली मुद्दों से भटक गई है, इसीलिए नए किसान संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। वहीं भाकियू टिकैत के जिला संगठन मंत्री अंकित चौधरी समेत तमाम बीकेयू के किसान नेता भी नए संगठन में शामिल होकर टिकैत को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में अब टिकैत बंधुओं पर अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का दबाव बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि टिकैत बंधु अपनी संपत्ति का ब्यौरा जनता को देते हैं या नहीं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।